Hero Ash. He's come from USA, and he came and met me. He said, I'm a rapper, I'm a singer, I've got good music and a lot of things. I heard this song and very first time. पहली बार ही सुन के ऐसा लगा कि यार ये अच्छा सॉन्ग है और इसका सॉन्ग में ही नाम सुनामी है और तो हमने इसका टाइटल भी सुनामी रखा है एंड इट इज़ हम अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता उस गाने के बारे में क्या है और इतना अच्छा गाना है अभी तो पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं बट विल वेरी सून बहुत जल्दी ये सॉन्ग भी लॉन्च होगा एंड इट इज़ अमेजिंग सॉन्ग यू ऑल विल लव इट जैसे नाम है सुनामी वैसा ही सॉन्ग है सुनामी बहुत बार ऐसा होता है ना कि शोरूम में माल अच्छा रखा जाता है लेकिन गोदाम खोखला होता है इस गाने के साथ वैसा नहीं है मैंने गाना सुना है एंड कुणाल पायल आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स और ये इन्होंने वादा किया कि अपना चेन मुझे देंगे तो नाउ इज ऑल्सो क्लोज फ्रेंड अब तो हो चुका है बट इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग एंड इज एन अमेजिंग सिंगर शिवानी जी ऑल्सो इज एन अमेजिंग सिंगर और गाना आप लोग बहुत जल्द सुनेंगे बट ट्रस्ट मी ये गाना सुनामी लाएगा टाइटल की तरह गाना भी बहुत ही बढ़िया है एंड इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग सो वॉच आउट फॉर द स्पेस कमिंग सून आई मेट पायल नॉट वेरी लॉन्ग बट आई थिंक 5-6 महीने पहले ही मिला और मुझे जब एक गाना सुना तो आई इमीडिएटली रिलेटेड कि इस गाने में तो शी फिट्स बेटर एंड ये परफेक्ट बैठेगी और इनको मैंने देखा है इनके कुछ और पिक्चर्स देखे हैं जो स्कूल साइड के हैं कुछ बीच साइड के पिक्चर्स हैं तो वो परफेक्ट मैच हो रही है तो आई इमीडिएटली रिकलेक्टेड मैं बोला नहीं यही कास्ट करेंगे यही परफेक्ट है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस सॉन्ग के लिए क्योंकि सॉन्ग का नाम सुन के तो पता ही चल रहा है कैसा होगा सॉन्ग और जब आप लोग वीडियो देखोगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा हुआ है सॉन्ग क्या टफ था जब मैं बात करता हूँ जब मैं पोस्टर हम देखते हैं तो वो एक बड़ी यू नो हैपनिंग सी फीलिंग आती है व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू यू नो डू इन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉन्ग बहुत हॉटनेस नजर आ रही है पोस्टर में क्या वो मेंटेन रखी गई है सुनामी की तरह हाँ ऑब्वियसली सर ग्लैमर तो बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको और अच्छा ग्लैमर दिखेगा इट इज़ नॉट वल्गर इट इज़ नॉट विच इज़ अ फैमिली और एक फादर पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं ऐसा तो नहीं होगा गाना ग्लैमरस होगा और सब मिलके भी देख सकते हैं और बट इट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स इट इज़ रियली सुनामी आई वुड अगेन रिपीटेडली से सुनामी गाना सुनामी है नाम सुनामी है और गाना भी सुनामी है सर टेल अस difficult and challenging parts was to name the song because when I sat down with Kevin and we started composing the song we didn't know that Tsunami is going to come out and then we did like a thought process of like a couple of days we put into it and worked up on the composition and lyrics and stuff देन समझ में आया कि जिस तरीके से वो फ्लो जा रहा है गाने का तो सोचा है थोड़ा सा अब सुनामी आ ही जाए हिंदुस्तान में भी यू नीड टू रैप देम इन शो बट आई थिंक यू कैन रैप द या या यू कैन यू शुड आई जस्ट गिव हिम अ हिंट वो जिसमें आई थिंक गोवा वेगस वो नाम आता है उतना खाली पार्ट बोल सकते हैं नो बट यू कैन रैप व्हाटएवर यू फील दैट यू कैन रिप्लेस या दैट इज अ नाइस समथिंग लाइक गोवा हो वेगस हो या फिर मायामी मैं करता हूँ पार्टी न करते गुलामी वो लिखते हैं शेर गुलाबों के फूल पे मैं मिलता हूँ तुमको गोवा के पूल पे दिस इज जस्ट अ लाइन ना दिस इज बाकी तो अभी गाने में बहुत कुछ है वी आर लॉन्चिंग जैसे पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के साथ आप लोगों का प्यार है आप लोग यहाँ आए हो इतनी बारिश में तो वैसे ही जैसे आप लोग रहोगे और हम इसको और बड़ी तरह से जब गाना रेडी होगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर वी आर प्लानिंग एंड इसको बहुत बड़ी तरह से अच्छी तरह से लॉन्च करेंगे और आप लोग तभी भी हमारे साथ ही रहोगे बिना आपके नहीं होगा लॉन्च आपके लिए क्या चैलेंजिंग पार्ट था जब आप शूट करने जा रहे हैं क्या ब्रीफ है आपको और क्या आपके लिए चैलेंजिंग था यही था कि ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है तो मुझे बहुत अच्छा करना है एंड अपने आप को बहुत ग्लैमरस दिखाना है बस
इस गाने में अभी सिर्फ उनका ये नहीं है, शी इज अभी दिवाली में एक हफ्ता का उनका एक कोरियोग्राफी सेशन होने वाला है जिसमें वो पूरा उसको वो एक हुक स्टेप है जो हुक स्टेप उसको प्रैक्टिस करना है एंड दैट प्रैक्टिस करने का जब वो हुक स्टेप बनेगा अब ये अमेजिंग होगा। नहीं, इतने सारे लोग जब ऑलरेडी बोल रहे हैं और जब अच्छा काम हो रहा है तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आई एम ट्राइंग टू नो अ बिट मोर अबाउट द सॉन्ग बिकॉज आई हैव हर्ड द सॉन्ग और बहुत अच्छा है। और ये शूटिंग के बारे में जो बातें हैं ये मुझे भी पता चल रही हैं, तो आप ही की तरह मैं भी सुन रहा हूँ कि कैसे लोग शूट करने वाले हैं, सो इट्स ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। पर मैं ये वादा कर सकता हूँ बिकॉज कुणाल इज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट अच्छा होगा और आप सबको बहुत मजा आएगा। एंड फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट टू टीम सुनाल। थैंक यू सर। इसमें एक जन को और ऐड करेंगे प्लीज, बाबू भाई आप आइए। ये हमारे हमारे पूरे गाने का एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग इन्होंने किया है, रैपर का, सिंगर का और इवन द एक्ट्रेस का, एंड ही इज़ अ वेरी नोन स्टाइलिश। रिसेंटली इन्होंने मीका दी वोटी का भी किया है और ये मीका के सब गानों का यही स्टाइलिंग करते हैं। एंड वी आर थैंकफुल कि इन्होंने हमें यस बोला और हमारे साथ जुड़े। हमारे दोस्त भी है और इसीलिए इन्होंने बोला यस ही विल डू द स्टाइलिंग फॉर अस एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड मोर ही कैन इंट्रोड्यूस एंड टॉक अबाउट दिस। तो मैं बहुत तो नहीं बोलूंगा कि पानी पानी हो गई, गाना हमने थोड़ा चेंज किया है तो अब हमने सुनामी कर दिया पानी पानी की वजह से। गाने को बहुत ही ग्लैमरस वे में हमने स्टाइल किया है, बट ना इट शुड लुक ग्लैमरस नॉट वल्गर, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने बहुत डिफरेंट नियॉन कलर्स का यूज़ किया है। अगर आप पोस्टर देखेंगे तो हमने नियॉन ऑरेंज कलर का यूज़ किया है, उस हिसाब से आपको कुछ एक्सप्रेसिव क्लोथ देखने को मिलेंगे, मे बी यू विल सी लेटर ऑन येलो कलर और मे बी लाउड ग्रीन कलर, तो इस तरह से अलग किए। और रैपर की तो आपको पता है यो लुक होती है तो वही लुक को ध्यान में रखते हुए रैपर्स को एक अलग रैपर्स वाइब दिया। दैट्स हाउ वी हैव स्टाइल्ड यार, प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू स्टाइल समवन, यू नो, जब सिंगर्स की बात करते हैं हम, यू नो, फिल्म्स की बात करते हैं जी, जैसे आपने कहा कि इस बात का बड़ा ध्यान रखा गया कि शटल रहे वल्गर ना हो जी, वो और लीडिंग लीडिंग फाइल मौजूद है और कुछ कोई और बोल नहीं सकता कुछ तो उसके लिए क्या ध्यान रखा आपने कि बड़ा शटल लगे और उस तरह से जब मैं पोस्टर देखता हूँ इट लुक हॉट डजंट लुक वल्गर, खास करके क्या ध्यान रखा आपने उस दौरान? जी, आपकी हम एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको कपड़े आपकी बॉडी को ध्यान में रखते हुए देने चाहिए होते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी के हिसाब से अगर आपने परफेक्ट कपड़े पहने हैं तो वो वल्गर नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी इफ़ यू आर फैट एंड यू आर बीइंग वेरी शॉर्ट क्लोथ तो इट विल लुक एक्चुअली वल्गर, तो दैट द ओनली थिंग, आपकी बॉडी को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे क्लासिक आउटफिट देना, दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम वल्गर टू क्लासिक, तो दैट्स हाउ वी हैव कैप्टन द मैन। I requested him a lot. लेकिन इन्होंने एक मिनट में हाँ बोल दिया। तो you didn't request? He asked me भाई ये song करना है, like ठीक है left do that. Anything else you want to tell the audience? बस अभी तो audience को I'll ask, तू थोड़ा wait कीजिए tsunami का। One line about tsunami. What do you feel when you hear the word tsunami? What do you feel? I really love the song. First of all तो कुणाल भाई ने मुझे से कहा था, हमारे घर पे ही कुछ meeting चल रही थी, किसी और काम के लिए meeting चल रही थी, but वहाँ पे ये project निकला और वहाँ पे इन्होंने मुझे बोला कि ऐसे we are about to record this song, तो then I told Kunal de ki ha the song is great, vibes of the song is quite cool the way I am, so let's do that.